वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस. दिस इज़ योर थर्ड डे ऑफ योर कंप्यूटर क्लास. प्रोसेसिंग डिवाइस. The processing device is used for processing the information entered in the computer. जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, प्रोसेसिंग डिवाइस उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. The central processing unit CPU is the most common processing device. In a human body, the brain has an important role to play. The activities that we perform are the result of signals that we receive from our brain. जो सिग्नल हमें अपने ब्रेन से मिलते हैं, हम तभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. Likewise, CPU is the brain of a computer where it processes and stores the information. वैसे ही आपका CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है. परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस. ये इंफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करता है और सेंड करता है आउटपुट डिवाइसेस में. इट परफॉर्म ऑल द जॉब्स दैट वी ऑर्डर इट टू डू. इट इज आल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट. हम इसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं. नाउ फैटबिट. विच यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. द CPU हैज़ मेनली थ्री पार्ट्स. First, memory unit. Second, arithmetical logical unit. And third is control unit. First, MU. MU stand for memory unit. The memory unit is responsible for communicating with memory. It allows data to be loaded and saved. Memory unit के अंदर आपका data load होता है और save होता है. नेक्स्ट ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. ALU के अंदर आपके अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. अर्थमेटिकल कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लॉजिकल ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन. लास्ट इज CU. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ CPU हैज़ अ वेल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बाय सेंडिंग अ कंट्रोल सिग्नल. ये CPU के अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करती है और साथ के साथ कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को भी कंट्रोल करती है कंट्रोल सिग्नल सेंड करके. नाउ रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म थ्री बेसिक फंक्शन. फर्स्ट इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट जिन्हें आप टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अनेबल द हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिजायर मैनर. सॉफ्टवेयर के हेल्प से हार्डवेयर आपके डिजायर मैनर में वर्क करते हैं. डिवाइसेस through which we enter data and instruction into the computer are called input devices. जिन devices की help से आप computer के अंदर data और instruction enter करते हो, उन्हें कहते हैं input devices. Devices that display input and result which we get after processing are called output devices. जिन devices पे आपको result display होता है, उन्हें output devices कहते हैं. Last,
और सीपीयू हैज़ थ्री पार्ट्स। सीपीयू के थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट स्टैंड फॉर एमयू एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट स्टैंड फॉर एएलयू एंड लास्ट इज कंट्रोल यूनिट स्टैंड फॉर सीयू। I hope so you all are understand topic of processing device. If you have any query regarding this topic, then put your comments on comment section. Now I will give you a little assignment. I hope so you all are solve it. Firstly, draw this diagram on your fair notebook. After that, you will solve this question answer on your notebook. So students, stay home and stay safe.